बाराबंकी में कांग्रेस स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने जयपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के लिए मांगे वोट। पायलट ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह लगातार उड़ा रहे आचार संहिता की धज्जियां। चुनाव प्रचार में भाषण के दौरान कर रहे अपशब्दों का प्रयोग। भाजपा प्रत्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मऊ की सदर विधानसभा से बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ पीस पार्टी के प्रत्याशी मुनव्वर अली को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस प्रशासन ने मुनव्वर अली को सुरक्षा दी। बहराइच में करोड़ों रुपए की लागत से बनी पानी टंकी से जलापूर्ति बाधित करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पंचायत भवन पर प्रदर्शन कर 27 फरवरी को मतदान बहिष्कार करने का किया ऐलान। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की कि जलापूर्ति चालू कराई जाए, नहीं तो हम लोग मतदान करेंगे बहिष्कार। हरिद्वार पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा पर बरसते हुए कहा, अगर भाजपा की सरकार आएगी तो एक दंगा मंत्री जरूर बनाया जाएगा और उसी से पार्टी बयानबाजी भी करवाएगी। बस्ती में भाजपा विधायक रवि सोनकर का चंदो गांव में हुआ विरोध प्रदर्शन। वोट मांगने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। महादेवा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है रवि सोनकर। सुर्खियों में आए भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी भाजपा के ब्रांडिंग सॉन्ग पर जमकर लगाए ठुमके। वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज के शहर उत्तरी से विधायक। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएं। आचार संहिता उल्लंघन मामले में अखिलेश यादव पर केस दर्ज। वोटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करने का आरोप। बूथ के 200 मीटर के भीतर बातचीत करने का आरोप। भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शिवपाल सिंह यादव का नाम हुआ शामिल। यूपी में बाकी बचे चरणों में करेंगे चुनाव प्रचार। 30 प्रचारकों की लिस्ट में अखिलेश मुलायम और डिंपल का भी नाम शामिल। कल गोंडा के पायागपुर में होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर। महनौन विधानसभा से भाजपा विधायक और प्रत्याशी विनय कुमार द्विवेदी के लिए पीएम करेंगे रैली। नोएडा में ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू। हाईटेक मशीनों के साथ इंजीनियर समेत 100 लोगों की टीम पहुंची। 22 मई तक ट्विन टावर गिराने का वक्त है। 22 अगस्त तक हटाया जाएगा ट्विन टावर का मलबा। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कई विधानसभा सीटों पर जताई भीतरघात की आशंका। चुफाल बोले, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को संगठन उन पर करे कार्रवाई। भीतरघात मेरी सीट पर भी हुआ।